आपकी मन एक रणभूमि है जहां पे आपके दुश्मन है आपकी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस नेगेटिव सोच। आप अगर जीवन की युद्ध को जीतना चाहते हो आपको उन सारे सोच के साथ लड़ना होगा और हर एक नेगेटिव सोच को दिल से पूरी तरीके से मिटाना होगा। आपको एक योद्धा की तरह लड़ना होगा, उन सारे नेगेटिव सोच का सामना करना होगा और उस जिंदगी को आपको छीन लेना होगा जो जिंदगी आप चाहते हो। अब आप खुद से कहो कि मैं सारे संदेह को दिल से मिटा दूंगा, मैं सारे डर को भी मिटा दूंगा, मैं नेगेटिविटी को भी मिटा दूंगा, मैं लोगों को दोष देना बंद कर दूंगा और मैं अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल करूंगा। मेरे मन में जो कुछ भी सोच है, भावनाएं है, वो बस मेरा ही है। मैं अपने मन की कैप्टन हूँ, कोई भी मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो कुछ भी मैं करूंगा मैं खुद ही करूंगा और जब मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगा मैं खुद ही खुद को बैकअप करूंगा। आपका दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर है। आप लड़ाई करके इस दुश्मन को कभी भी हरा नहीं पाओगे बल्कि आपको बेटर बनकर उससे लड़ना होगा। आपको बस अपने ऊपर काम करना होगा और इस तरीके से ही आप अपने अंदर की दुश्मन को हरा सकते हो। और इसीलिए खुद के ऊपर बस काम करती रहो, खुद को और बेहतर बनाती रहो, हर रोज काम करती रहो। आपके हर एक कदम आपके अंदर विश्वास तैयार करेगा, आपके लिए हुए हर एक स्टेप आपके अंदर एक हैबिट तैयार करेगा और वही हैबिट आपको आपके मंजिल की तरफ धीरे धीरे लेकर जाएगा। आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा, आपकी मानसिकता को आपको ही डेवलप करना होगा। बहुत लोग जीवन में इनसिक्योर है और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है और अगर आप अपने मेंटालिटी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो फिर आप भी एक बहुत मजबूत इंसान बन जाओगे। लेकिन आपको ये डेली बेसिस में करना होगा। आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की समय पे चाहे जितनी भी बाधाएं आए, आप अगर खुद से ये वादा करेंगे कि मैं टूट नहीं जाऊंगा तो फिर आप जरूर टूटेंगे नहीं। और अपने अंदर एक बहुत ही मजबूत माइंडसेट तैयार कर लेना होगा। जब आप जीवन में हारोगे कुछ लोग आपको बहुत सारे बातें सुनाएंगे लेकिन फिर भी आप डटे रहोगे और इससे आपके मन धीरे धीरे आपकी सोच को ही सच मानने लगेगा। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में ज्यादातर लोग अपने वेस्ट साइड को ही दिखाते हैं, पर वो लोग अपने उस साइड को नहीं दिखाते हैं जिस साइड में उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई, सब लोग जानते हैं कि आप क्या हो और कौन हो, तो फिर दिखावा कर आखिरकार क्या फायदा। और इसीलिए मैं आप सबसे जरूर कहूंगा कि आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि लोग क्या कर रहा है, बल्कि आप बस यही सोचो कि आप क्या कर रहे हो। और इसीलिए आप क्या कर रहे हो बस उस पर ही फोकस करो, लोगों की मत सुनो क्योंकि वो तो अपने समस्या से ही जूझ रहे हैं। भूल कर भी खुद के साथ किसी का तुलना मत कर बैठना। आपको जीवन में आखिरकार क्या चाहिए वो खुद से पूछो, लेकिन कुछ भी काम ना कर कर पूछना मत, क्योंकि कुछ भी ना कर कर खुद से पूछना तो बस खुद से ही झूठ कहना है। लेकिन आपके सेल्फ टॉकिंग, आपके विजुअलाइजेशन सच होगा अगर आप अपने लक्ष्य पर हार्ड वर्क करेंगे। और इसीलिए अपने लक्ष्य पर बस काम करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।